मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पर्यावरण जागरूकता के विषय में किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान में पर्यावरण की चिंता करना हम सबका कर्तव्य है। ऐसे में वृक्षारोपण के साथ प्राकृतिक खेती ही एकमात्र रास्ता है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में कहा, पर्यावरण का सुरक्षा चक्र बनाना बहुत ही जरूरी हो गया है, इसलिए पर्यावरण रक्षा के लिए वृक्षारोपण और गौवंश आधारित प्राकृतिक खेती की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं किसान वर्ग के लिए शुरू की हैं। हमारे प्रदेश में सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। राष्ट्र सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ग्राम स्तर तक वातावरण बनाने और इसमें किसानों की सहायता करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ऐसे अवसर है कि जिनके ऊपर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वृक्षारोपण करा सकते हैं और पाले वृक्षारोपण करना आसान है। एक दिन नया पौधा लगा दिया लेकिन बाद में उसमें पानी नहीं दिया, उसमें जाली नहीं लगाई, भविष्य से नहीं बचाया, तो वो फिर सूख भी जाता है और जानवर उसको खा जाते हैं। तो पौधा वृक्षारोपण करना भी है, उसकी सुरक्षा भी करना है, उसमें पानी भी देना है और उसको बड़ा करना ताकि वो हमको छांव भी दे, फल भी दे और ऑक्सीजन दे, हमको जीवन दे, एक दूसरे के हम पूरक हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने लगे हैं, जिसके कारण परिणाम हुआ कि खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, साथ ही मनुष्य कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र रास्ता है। ये जो बेमौसम बारिश हो रही है, भूकंप आ रहा है, ओले गिर रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है, उसका कारण करने प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। और जब किसी के साथ खिलवाड़ करोगे प्रकृति तो प्रकृति भी नहीं मिलेगी। प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति के साथ जीवन जीना इसकी जरूरत है। एक बार कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र हरदा में वसुमता ब्लस्टर कैंप द्वितीय चरण सह वैज्ञानिक परिचर्चा कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करने के पश्चात पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक खेती करने के लिए शपथ भी किसानों को दिलाई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।